हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। भद्रकाली टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे पितृ देवता होते हैं वो कुल के देवता होते हैं और हम उनको स्नान कराने के लिए गंगा के किनारे पर ले जाते हैं। उनके तीर्थ स्थल अनेक प्रकार के हैं, कोई किसी भी तीर्थ स्थल पर ले जाकर गंगा स्नान करवाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति, कोई परिवार तीर्थ स्थल पर न जाने पाए और अपने पितरों को स्नान करवाना चाहता है तो वो उनको स्नान घर पर भी करवा सकता है। उसकी विधि मैं आज आपको बताऊंगी, वो विधि आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको अपने पितरों को जो फोटो होती है उसकी फोटो रख के और उसके लिए हमें क्या लेना है, हमें गंगा जल लेना है, एक शंख लेना है। शंख के अंदर हमें गंगा जल भरना है और उस शंख को हमें उस फोटो पर जो गंगा जल होता है उसको डालना है और हमें कहना है कि हे मेरे पितृ देवता, मेरे पास इतनी, मतलब मैं इस चीज़ के लिए सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको गंगा स्नान करा सकूं, इसलिए मैं आपको घर पर ही स्नान करा रहा हूं। कृपया करके आप मेरे घर पर आए और गंगा स्नान करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप संघ में से जल आपको मेरे पर डालना है और धन धान्य नहीं है जिससे मैं गंगा स्नान करवाने के लिए तो आपके पितर देवता अवश्य ही पर डालेंगे और वो आपको माफ कर देंगे और आप इस प्रकार अपने पितर देवता का स्नान करवाने में सामर्थ्य होंगे। ये विधि पूर्वक हमारे पितरों का गंगा स्नान घर पे ही माना गया है।